हेलो एवरीवन, दिस इज एजुकेशन इन होम। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास सिक्स इंग्लिश लाइव कोर्स बुक चैप्टर 11, क्लाउड्स एंड वेव्स, विच इज़ रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर बहुत अच्छी अच्छी पोएम्स लिखते हैं। उनकी एक पोएम है क्लाउड्स एंड वेव्स, तो हम आज उसके वी विल गो थ्रू इट। ठीक है, तो सबसे पहले तो इन दिस चैप्टर व्हाट वी विल लर्न, वी हैव टू सी रीड अ पोएम इन फ्री वर्स। फ्री वर्स में हम एक पोएम पढ़नी है। आइडेंटिफाई पर्सोनिफिकेशन एंड लर्न वर्ड्स रिलेटेड टू अर्थ फिजिकल फीचर्स। अर्थ के फिजिकल फीचर्स से रिलेटेड वर्ड्स हम जानेंगे और कंप्लीट अ चार्ट ऑफ टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। ठीक है, दीज आर द फॉलोइंग थिंग्स वी विल डू इन दिस चैप्टर। तो रीडिंग पे आते हैं सबसे पहले। लेट मी टेक द ब्रश टूल फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ, सो डिड यू हैव एवर सीन इमेजिनरी फ्रेंड्स एज अ चाइल्ड। तो जब भी आप बच्चे होते होंगे ना, जैसे अभी इसमें ये बच्चा दिया है, ठीक है, जब आप बच्चे हुआ करते थे तो क्या आप इमेजिन करते थे, भले ही आपके दोस्त ना हों उस समय, पर क्या आप इमेजिन करते थे कि आपके दोस्त हैं? सपनों सपनों में अपने दोस्तों को देख लिया करते थे। वेयर दे योर टॉयज, क्या आप अपने सपनों में टॉयज को ही दोस्त देख लिया करते थे अपने सपनों में? डू यू रिमेम्बर इन्वेंटिंग एनी गेम्स, क्या आपने कोई गेम इन्वेंट किया उस समय पे, इतने छोटे से थे जब आप? तो ये पोएम हम पढ़ेंगे जहाँ पे जो पूरी दुनिया है ना, पूरी की पूरी दुनिया एक बच्चे के नज़रिए से देखी जा रही है। ठीक है, इस पोएम में इन अ चाइल्ड वर्ड्स मेड अप इमेजिनेशन द इम्पॉसिबल इज मेड ईजी ईजिली पॉसिबल। एक बच्चे की दुनिया में इम्पॉसिबल चीज़ें ईजी पॉसिबल हो जाती हैं। ठीक है, इम्पॉसिबल चीज़ें ईजीली पॉसिबल हो जाती हैं। दिस पोएम शोकेसेस द चाइल्ड इमेजिनेशन एज वेल एज हिज लव फॉर हिज मदर। अपने एक बच्चे की इमेजिनेशन दिखा रहा है और उसके माँ और उस बच्चे का प्यार दिखा रहा है। ठीक है, जनरली वो दिखा रहा है कि वो अपनी मम्मी से कितना प्यार करता है। मदर द फॉक हु लिव अप इन द क्लाउड्स कॉल आउट टू मी, बोलती हैं मदर, ये बच्चा बोलता है, दिस बॉय टॉक्स विद हर हिज मदर, हिज और हर मदर। ठीक है, बॉय है तो हिम ही होगा, ही, ओके, ही टॉक्स टू हिज मदर दैट मम्मी मदर द फॉक, जो ऊपर जो फ्लॉक रहते हैं ना, हु लिव्स अप इन द क्लाउड्स, ठीक है, वो क्लाउड्स मुझे बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, क्यों बुलाते हैं, क्या कहकर बुलाते हैं, वो लिखा है नीचे कि मम्मी मुझे जो ऊपर रहने वाले क्लाउड हैं वो बुलाते हैं। ठीक है, वो मुझसे बोलते हैं क्या कि वे प्ले फ्रॉम द टाइम वी वेट टिल द डे एंड्स। हम तब से खेलते हैं, हम कब से खेलते हैं, जब से जैसे ही हम उठते हैं हम तब से खेलते हैं, और तब तक खेलते हैं जब तक पूरा चांद और ढल ना जाए और रात ना हो जाए। तो सोचो कितने मज़े करके वो लोग खेलते होंगे, जैसे ही उठे वैसे ही खेलने लगे, और जैसे ही दिन ख़त्म और वो भी खेलना बंद कर देते हैं, मतलब तब तक खेलते हैं जब तक दिन ख़त्म नहीं होता। वी प्ले विद द गोल्डन डॉन, वी प्ले विद द सिल्वर मून। अब यहाँ गोल्डन डॉन और सिल्वर मून क्या है, गोल्डन डॉन और सिल्वर मून क्या है? सो गोल्डन डॉन किसकी बात कर रहा है ये? गोल्डन डॉन यानी कि गोल्डन कलर की शाम। क्लाउड्स किसके साथ खेलते हैं? सुबह उठते हैं, खेलते खेलते क्या, जब समय आता है तो शाम हो जाती है ना, तो वो गोल्डन कलर की शाम, जैसे ही शाम होती है वैसे गोल्डन गोल्डन येलो येलो नहीं हो जाता हर जगह, तो वो गोल्डन कलर की शाम और सिल्वर कलर की, जब रात हो जाती है तो सिल्वर कलर की मून के साथ खेला करते हैं। ठीक है, दे प्ले विद द गोल्डन डॉन एंड सिल्वर मून। आई आस्क बट हाउ एम आई टू गेट अप टू यू, अब वो पूछता है, ये बच्चा पूछता है, मम्मी से बोलता है कि मम्मा मुझे क्लाउड्स बुला रहे थे, बोल रहे थे कि दिन रात वो खेलते रहते हैं, गोल्डन डॉन के साथ खेलते हैं, सिल्वर मून के साथ खेलते हैं। तो ऐसे ही बच्चे को इंटरेस्ट आ गया, पूछा उसने कि मैं तुम्हारे पास कैसे आऊँ, बट हाउ एम आई टू गेट अप टू यू, ठीक है, तुम्हारे पास कैसे आऊँ? तो वो क्या आंसर करते हैं, क्या बोलते हैं कि कम टू द एज ऑफ द अर्थ, अपने अर्थ के पूरे एज में आ जाओ, ठीक है, और अपने हाथों को ऊपर आसमान की तरफ उठाओ, एंड
यू विल बी टेकन अप इन क्लाउड्स, और हम जो क्लाउड्स है ना वो तुम्हें ऊपर की तरफ ले लेंगे। तो क्या अर्थ की एज पर जाओ, वहाँ से अपने हाथ ऊपर की तरफ फैलाओ और हम तुम्हें ऊपर ले लेंगे। ओके आगे है, माई मदर इज़ वेटिंग फॉर मी एट होम। अब देखो यहाँ पे क्या बोला बच्चे ने, इतना मज़ा करने के इतना मज़े भी उसे नहीं चाहिए। उसने क्या बोला कि मेरी मम्मी तो मेरे घर पे वेट कर रही होगी। आई से हाउ कैन आई लीव हर एंड कम। अब मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उन्हें छोड़ के ऐसे कैसे आ जाऊँ भाई। तो ये दिखाता है कि वो बच्चा कितना ज़्यादा प्यार करता है अपनी मम्मी से। देन दे स्माइल एंड फ्लोट अवे। तब वो हंसते हंसते चले जाते हैं। बट आई नो अ नाइसर गेम देन दैट मदर। ठीक है, अब जो भी, तो वो बोलता है कि मुझे इससे भी एक अच्छा गेम, बेहतर गेम पता है। ये जो गेम इन्होंने खिलाया है ना, ये बोल रहे थे कि रात दिन खेलते रहते हैं, इससे भी बढ़िया गेम मैं आपको बताऊं। तो वो क्या बताता है कि आई नो अ नाइसर गेम देन दैट मदर, आई शेल बी द क्लाउड। मैं क्या करता हूँ, मैं बादल बन जाता हूँ और आप क्या बनोगी, मून बन जाना है ना। तो आई शेल कवर यू विद बोथ माई हैंड्स एंड आवर हाउस टॉप विल बी द ब्लू स्काई। और फिर ये बादल बन जाता है और इनकी मम्मी मून बन जाती है और बादल मून को कवर करता है। मैं आपको कवर करूँगा और जो हमारी छत होगी ना ऊपर की, वो हमारा पूरा नीला आसमान बन जाएगा। तो देखो बच्चे ने एक गेम इन्वेंट किया ऐसे। अब देखो एक फर्स्ट पैराग्राफ हमने किसके क्लाउड्स के बारे में बातें की ना, अब हम वेव्स के बारे में बातें करेंगे। यहाँ पे द फॉग हु लिव इन द वेव्स कॉल्ड आउट टू मी। अब कहाँ वेव्स क्या बोलती हैं, बच्चे से बोलती हैं कि वी सिंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, हम सुबह से रात तक गाना गाते रहते हैं। ऑन एंड ऑन वी ट्रैवल एंड नो नॉट वेयर वी पास, हम बस चलते जाते हैं चलते जाते हैं। ये वेव्स बोलती है कि हम दिन रात गाना गाते रहते हैं और बस चलते जाते हैं चलते जाते हैं, हमें नहीं पता रहता हम कहाँ जा रहे हैं हम। आई आस्क, ठीक है, अब ये तो इंटरेस्टिंग लगा बच्चे को कि ये तो दिन ब दिन गाते गाते मज़े करते हैं, घूमते फिरते हैं। तो फिर बच्चा पूछता है उनसे कि मैं आपके पास कैसे पहुँचूँ। तो फिर वो बोलने लगते हैं, दे टेल मी कम टू द एज ऑफ द शोर। अब शोर, जो शोर क्या होता है, जहाँ पे बीच, बीच बोल बीच जानते हैं ना आप, जहाँ समुद्र का किनारा, शोर बोलते हैं उसे, ठीक है, समुद्र का किनारा। ठीक है, समुद्र के किनारे पे और अपने आँखों को बहुत ज़ोर से बंद करके रखो और हम तुम्हें अपने लहरों के साथ ले चलेंगे, अपने वेव्स के साथ ले चलेंगे। आई से, फिर से बच्चे को अपनी मम्मी पे बहुत प्यार करता है ना अपनी मम्मी से, तो बोलता है कि मेरी मम्मी मुझे हमेशा घर में चाहती हैं इवनिंग के समय, तो मैं उन्हें छोड़ के कैसे आपके साथ आ जाऊँ। हाँ, तो फिर वो क्या करते हैं, स्माइल डांस करते हैं। डांस क्यों करते हैं, बिकॉज दे आर वेव्स। वेव्स नाचते 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 चले जाते हैं। फिर तभी वो अपनी मम्मी से बोलता है कि मम्मा ये जो पूरा इन्होंने गेम बताया ना, दिन रात गाना गाते हैं और कहाँ कहीं कहीं चले जाते हैं, इससे भी बेटर गेम आई नो, ठीक है, इससे भी बेटर मुझे गेम पता है। अब मैं वेव बन जाऊंगा और आप बहुत ही स्ट्रेंज समुद्र का किनारा बन जाना। मैं हमेशा रोल हो होकर आपके गोदी में आके ब्रेक अपॉन योर लैप विद लाफ्टर, आपकी गोदी में आकर हंसते हंसते गिर पड़ूंगा। एंड नो वन इन द वर्ल्ड विल नो वेयर वी बोथ आर, और किसी को पता नहीं चलेगा भाई हम एक जगह है, किनारे हैं नदी के, तो किसको पता चलेगा कि हम कहाँ हैं, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि हम दोनों कहाँ हैं। तो देखो उसने कितना अच्छा गेम बनाया। तो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर पोएम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए क्लास 6 की और वीडियोस पाने के लिए। एंड ऐसा नहीं है मैं इंग्लिश पढ़ा के ख़त्म कर दूँगी, मेरे पास और भी कंप्यूटर है, क्लास 6 क्लास 7th की, अगले साल आप जाएंगे 7th की कंप्यूटर पढ़ा सकती हूँ मैं। ओके एंड अलग अलग सब्जेक्ट्स भी। तो टिल देन गुड बाय, टेक केयर।